सो गाइस हो चुके हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स और ड्राइव भी थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मुझसे बोला भी बहुत हल्का फुल्का जा रहा है। अब हम चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ जहाँ पे अपना फेस वॉश करेंगे, तो चले हमारे साथ। सो आपको मैं जो हूँ ना रूम की लाइट के अंदर भी प्रॉपरली दिखाती हूँ। टैन कितना नीट एंड क्लीन हो गया, फेस पे एकदम से शाइन आ गई है गाइस, ये देख रहे हैं आप शाइन। मैंने कुछ नहीं लगाया, ना ही कोई मैंने जो है ना इस पे क्रीम अप्लाई की अपने फेस पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू रेडी व्लॉग के साथ हमें सिद्दीकी अगेन है एंड वेलकम बैक टू हमें सिद्दीकी चैनल गाइस। गाइस लेट्स स्टार्ट टुडे व्लॉग, होप सो सब खैरियत होंगे, मजेदार होंगे, शानदार होंगे गाइस। अब होने जा रहा हूं हमें सिद्दीकी व्लॉग का आगाज, उसको पूरा देख देखा है मिस नहीं करने का, सो स्टे ट्यून्ड कनेक्टेड विद मी। सो गाइस जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको मजेदार अपकमिंग वीडियोस टाइमली आती रहें। चले मैं आपको दिखाती हूँ सनाए के मजेदार टॉयज जो हमने कल लिए थे चेस से, तो चलो उनको आज हम ओपन करते हैं सनाए के साथ। सनायास ब्यूटीफुल टॉयज। सनाया व्हाट यू आर कुकिंग? बर्फ। कहाँ है आप बर्फ कुक करो पानी चलो। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आई, किसने दिया आपको आइस? आंटी ने दिया आइस। ओके अब उसको मेल्ट कर रहे हो। सो क्यूट। सब हमने कर दिया सनाए के टॉयज को अनबॉक्स। सो जो है अब हम सोच रहे हैं कि आज हम क्या करें, आज हम सोच रहे हैं कि जो है हम करते हैं कुछ लाइफ हैक ब्यूटी से रिलेटेड, और जो है जो कि आप लोग के लिए भी बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाला है। सो लेट्स है कि क्या वाकई में इससे फ़ायदा होता है नहीं होता है, और जो है अप्लाई करूँगी मैं अपनी स्किन पर जैसे कि पहले मैंने अपने ब्लॉग्स में किया था। तो चलो और चलते हैं देखते हैं। और ये हमारे इंग्रीडियंट्स हैं बेसन एंड जस्ट रोज वाटर। ये दो इंग्रीडियंट्स सिंपली सब घर में मौजूद होते हैं, सबके पास होते हैं। और गाइस ये हम करेंगे आज लाइफ हैक और इसको फेस पे अप्लाई करेंगे और इसका देखते हैं कि इससे हमारी स्किन कैसी होती है। चलो रोज वाटर। सनाए गो एंड प्ले विद योर टॉयज। और चलो मम्मा के साथ साथ करना ठीक है, आप करोगे, मेरी हेल्प करोगे आप? ओके ये आ गई भाई, चलो इनके साथ करते हैं। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले हमने लिया है 1 टीस्पून थोड़ा सा ठीक है बेसन। अब उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं रोज वाटर ताकि इसका अच्छे से ना हम पेस्ट बना सकें। और हम जो है ना उसको ऐसे ही ऐसे ऐड करते हैं थोड़ा सा ना। थोड़ा थोड़ा करके ताकि इसका पेस्ट बन जाए। ये हमने पेस्ट बना लिया है फेस के ऊपर लगाने का। क्वान्टिटी मुझे ना थोड़ी कम लग रही है, तो आप लोग ना इसमें टू, क्योंकि मैं कुछ फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ कर रही हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कि हम कितनी क्वान्टिटी लें। मैंने तो 1 टीस्पून लिया था, तो आप उसको 1 टेबल स्पून या फिर 1.5 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस तो चलो हम लगाते हैं फेस पे। जी उमियान सो हमारा बन चुका है लेप बेसन एंड रोज वाटर का, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी स्किन की कंडीशन दिखा सकूँ। ये देखें गाइस, ये देखें ठीक है, चलिए किसे देख लें ठीक है। जो है अब हम करेंगे अप्लाई, ये बिफोर है उसके बाद आफ्टर का भी मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फेस पे लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay.
अच्छा इसको ना हमने लगा के छोड़ना नहीं है, मतलब कि ड्राई नहीं करना है, हमने इसको लगा के ना एक तरह से फेस वॉश के तौर पे मसाज कर लेना है और फिर फेस वॉश के तौर पे ना वॉश कर लेना है ऐसा। हमने इसको स्क्रबर कह लो, इसमें वैसे शुगरी पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर लगाएंगे, अराउंड 5 मिनट्स तक लगा के छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हल्के से इस पर ना वॉश कर लेंगे, ठीक है। होपफुली अच्छा आए अच्छे तरीके से ना, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से इसको लगा लिया है फेस, ठीक है। सो गाइस हो चुके हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स और ड्राई भी थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मुझसे बोला भी बहुत हल्का फुल्का जा रहा है। अब हम चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ जहाँ पे अपना फेस वॉश करेंगे, तो चले हमारे साथ। हम आ चुके हैं वॉशिंग में, सना हमारे पीछे पीछे है। मम्मा बस अब हम वॉश करते हैं, चलो अपना जो है ना फेस वॉश करने का तरीका बता दूँ आपको, ओके। आपने हल्का हल्का गीला कर लिया हाथों को, हमने जो है ना हल्का हल्का सा इसको मिटाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा लग गया है, पानी की हेल्प से ना स्क्रबिंग कर ले रही है। ठीक है, अब हमें फेस वॉश कर लेना है। अभी ट्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो गाइस हमने कर लिया है वॉश अपने फेस को और ड्राई अप भी कर लिया है। अब आप रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया है, इससे लिटरली कुछ नहीं लगाया है। और सनाया ने यहाँ पे इतनी तबाही मचाई हुई है गाइस, ये देखिए धूप के अंदर रिजल्ट कैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं लगाया मैंने ना आफ्टर इसको वॉश करने की, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, सिंपली इसी से एक तरह से फेस वॉश के तौर पर इसको मैंने यूज़ किया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं। ओके सनाया मेरी आइसक्रीम लेकर आएगी, मम्मा आप आइसक्रीम इन्जॉय करें। ओ गॉड, तो कैसा रहा आपको, तो कैसा लगा गाइस आपको हमारा लाइफ हैक और इसका रिजल्ट? नो डाउट गाइस बहुत अच्छा। सो आपको मैं जो हूँ ना रूम की लाइट के अंदर भी प्रॉपरली दिखाती हूँ। टैन कितना नीट एंड क्लीन हो गया फेस पे, एकदम से शाइन आ गई है गाइस, ये देख रहे हैं आप शाइन। मैंने कुछ नहीं लगाया, ना ही कोई मैंने जो है ना इस पर क्रीम अप्लाई की अपने फेस पे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना 100% रिजल्ट मिला है इसका। अगर अच्छा आप इसको ना एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज अ फेस वॉश के तौर पे आप ना इसको हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर लेना है तो अराउंड 4 टाइम्स आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है तो अगर आपको उन लोगों को इसको लगाने के बाद और ड्राई फीलनेस हो रही है तो वो सिंपली कोई सा भी मॉइस्चराइज़र है आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नो डाउट इसका रिजल्ट 100% है। आपके फेस पर अगर जो है निशान होंगे, 2 टोन स्किन होगी तो वो सिंगल टोन में हो जाएगी, इसके अलावा आपकी स्किन में शाइन आएगी, ग्लो आएगी, जैसा कि आप देख रहे हो मिरर स्किन जिसे कहते हैं ना वो मुझे मिली है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं तो वो भी श्रिंक हो जाएंगे टाइमली, मतलब ये नहीं होगा कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा कि आपके फॉरन श्रिंक हो गए, तो आप इसको डेली बेसिस पर यूज़ करोगे ना एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ईजिली इसको यूज़ कर सकते हो। और जिसने यूज़ किया है मेरे ब्लॉग देखने के बाद तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनको रिजल्ट कैसा मिला है। और मज़े की बात गाइस, जिन लोगों को सनबर्न भी हुआ हुआ होता है ना वो भी इसको अप्लाई करेंगे ना तो उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके साथ साथ इसको बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। टीनेजर गर्ल्स हो गए, 8-9 ईयर्स के बच्चे बच्चियाँ हो गए, वो सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट
बहुत 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 अच्छा है, अमेजिंग है। तो जो है माया जो है ना मुझे दुआएं देंगी कि हुमी तुमने क्या बताया बच्चों को। और मजे की बात ये हर बच्चा कर सकता है, सिंपल 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इसको आपने लेना है बेसन को और रोज वाटर डालना, फेस पे लगा लेना है। तो मम्माओं की तो झंझट ही नहीं है कि मम्मा बना के दें, आप खुद बना सकते हो बच्चा लोग। तो जो है होप से मेरा आज का ब्लॉग आपको एक बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग को खूब इंजॉय किया होगा बेसन का लेप लगा के। सो सी यू टुमारो विद न्यू डे न्यू ब्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।